अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल दोनों के कॉम्बिनेशन वाले सेक्टर को हम समझने जा रहे हैं कि आखिरकार मेजरमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो थर्मामीटर होता है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं हीट का, तो हीट जो होती है वो सेंसर के द्वारा सेंस की जाएगी, देन प्रोसेसर के पास जाएगी, सिग्नल जो है प्रोसेसर के पास पहुंचेगा और वो आगे डिस्प्ले, रिकॉर्ड, सेव या फिर ट्रांसफर की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हीट को मेजरमेंट किया और ये सारा प्रोसेस हमें लगा और हमें डिस्प्ले पर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हमारी जो वैल्यू होती है वो हमें शो हो जाती है। तो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा यहाँ पर इस चीज़ को समझ पाना। तो वन बाय वन हम यहाँ से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और समझना स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि सिस्टम होता क्या है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इन एंड आउट, इलेक्ट्रिकल दिया मोटर को, मोटर ने आपको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दी। तो इस बॉक्स के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है हम उसे क्या बोल रहे हैं, मोटर सिस्टम, यानी हम उसे एक मोटर बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यूनिवर्सल की बात करें तो उसमें क्या है, कोई चीज, कोई एनर्जी है जो उसमें इन की जा रही है जिसके बाद एक आउटपुट ऑफ रिजल्ट हमें मिल पाता है। ये चारों तरफ सराउंडिंग ऑफ एरिया के अंदर जो बंद है उसे हम सिस्टम बोलेंगे, और जो उस जिसने उसको चारों तरफ बाउंडेड ही कर रखा है जिससे एटमॉस्फेयर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सिस्टम के अंदर, जो बाउंड्री है वो हमारी सिस्टम बाउंड्री कहलाती है। तो आइए इसके और भी एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कुछ ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर मैंने प्रेशर वन दिया, कोई प्रेशर ऑफ वैल्यू दी वन, और वो आगे चेंज होकर के पहुंच गई प्रेशर टू में। सेम इसी तरीके से मैंने कोई वोल्टेज ऑफ इनपुट दिया वन और आगे वो वेरिएबल होने के बाद, बदलने के बाद पहुंच गई टू में। इसी प्रकार मैंने कोई रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू पैदा किया और उसे मैंने आगे इस सिस्टम के अंदर भेजा तो उसने रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू को ज्यादा या कम कर दिया। तो ये जो थे हमारे सिस्टम थे। तो इस तरीके के बहुत सारे यूनिक फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं टॉपिक सेंसर। सेंसर होता क्या है, फिजिकली कॉन्टैक्ट विद द एलिमेंट सेंसर, वर्क विद द प्रोसेस, देन मेक ए वेरिएबल वैल्यूज। इसको अगर हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो भौतिक अवस्था मात्रा इकाई को सिग्नल में बदलना सेंसर कहलाता है। सेंसर का काम ही यही है कि वो किसी चीज को सेंस करे, देन एक सिग्नल जनरेट कर दे। और इसको अगर हम डिफाइन करें तो फिजिकल क्वांटिटी के अटैच में रहता है ये हमारा सेंसर। और इसमें क्या लगा हुआ, विद इन वन एलिमेंट, किसी प्रकार का कोई एक एलिमेंट उसके अंदर लगा हुआ है जो वर्क कर रहा है विद प्रोसेसर के साथ, देन मेक ए वेरिएबल वैल्यू, एक वेरिएबल वैल्यू जो है वो प्रदान कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसर। भौतिक अवस्था मात्रा इकाई को सिग्नल में बदलना सेंसर कहलाता है। अब हम बात करेंगे सेंसर के टाइप की। तो टाइप यहां पे आप तीन देख रहे हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग्स है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल, यानी फिजिक्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपैक्ट सेंसर हो सकता है, प्रेशर सेंसर हो सकता है, टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, पोजिशन सेंसर हो सकता है, स्पीड सेंसर हो सकता है, एंड गैस सेंसर हो सकता है जिसमें वो किसी एक यूनिक गैस के बारे में पता लगाएगा। हमारा कॉन्टैक्ट टाइप, जिसमें हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, यानी जो भौतिक अवस्था है उसके साथ हो सकता है कि आपका सेंसर अटैच हो और हो सकता है तो उसके साथ वो अटैच ना भी हो। तो ऐसे भी कई प्रकार के सेंसर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मुझे किसी फैन की स्पीड मुझे पता करनी है, तो एक तरीका क्या है कि मैं उसके फैन के ब्लेड पर ही कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स फिट करूं जिससे मुझे आरपीएम पता चले। एंड सेकंड तरीका क्या है कि मैं किसी ऐसे इक्विपमेंट को इस्तेमाल करूं जो उससे काफी ज्यादा डिस्टेंस में हो, उसको टच भी ना करे, स्पर्श भी ना करे, फिर भी वो मेरे को फीडबैक प्रदान कर दे। ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सप्लाई। क्या उस सेंसर को, सेंसर टाइप अकॉर्डिंग टू द सप्लाई, क्या उस सेंसर को सप्लाई के तौर पर उसको नीड है सप्लाई का, यानी वोल्टेज का, करंट का, क्या कोई नीड है या फिर कोई भी नीड नहीं है, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटिंग, यानी जो सेल्फ ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर दे या सिग्नल को प्रोड्यूस कर दे एनी रेफरेंस, किसी भी बिना रेफरेंस के। अब हम मेजरमेंट सिस्टम में समझेंगे सेंसर की परफॉर्मेंस और कौन से कारण हो सकते हैं कि उसको
कहाँ पर यूज किया जाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू को। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्यूरेसी, कि वो कितना करेक्ट वैल्यू दिखा सकता है, यानी एक्यूरेसी कितना उसका रहेगा। माइट बी रॉन्ग, यानी वो कितना गलत होने की उसकी संभावना है। जितना कम गलत होगा यानी वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दिखा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस है जो टेम्परेचर का एरर प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस दिखा सकता है, तो यानी वो जो टेम्परेचर सेंसर है ये उसका क्या होगा, एक माइट मे बी चांसेस, एक ऐसा छोटा सा चांसेस जो उसकी एक्यूरेसी के नियरेस्ट अबाउट आता है, तो इससे हमें एक हेल्प मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे द एरर्स, डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट एंड ट्रू वैल्यू, यानी मान लीजिए कि कहीं का टेम्परेचर 20 डिग्री है लेकिन आपका जो टूल है वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, आपको क्या वैल्यू दिखा रहा है, यानी रिजल्ट क्या होना चाहिए, सॉरी रिजल्ट क्या है और ट्रू वैल्यू क्या है, दोनों के बीच में कोई फर्क ना हो। अगर वो फर्क है, कोई डिफरेंस है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एरर्स। ये एरर कई प्रकार के होते हैं, जैसे अगर आप कोई वैल्यू ले रहे हैं तो वैल्यू लेते समय उसकी रेंज काफी ज्यादा रही, ठीक है, कांस्टेंट होने में समय लगा, देन उसके बाद जब आपने उसको हटाया तो उसको फिर डाउन होने में समय लगा, तो वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर्स होते हैं। या फिर मान लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कोई एरर आ जाता है, मान लीजिए पानी है उसमें ठंडा और गर्म पानी दोनों मिक्स कर दिया जाए, तो अगर मैं टेम्परेचर सेंस करूँ तो क्या एक्यूरेट है, नहीं आ पाएगा। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एरर है जो डिवाइस की वजह से ना आ करके किसी और रीजन से भी आ सकता है, तो एरर्स एरर्स में ही काउंट होंगे। चलिए अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट, इज अ रेंज, लिमिट बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, यानी कोई भी सेंसर की वो वैल्यू जो वो मेजर कर सकता है, मिनिमम टू मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। रीजंस यानी के शुद्धता, जो वैल्यू आप किसी भी मेजरमेंट टूल से लेने वाले हैं वो कितनी करेक्ट होने के चांसेस हैं। रैंडम एरर नियर बाय द ट्रू वैल्यू, यानी कुछ एरर आएगा जरूर लेकिन वो नियरेस्ट बाय द ट्रू वैल्यू होगा। जैसे इसको मैं ट्रू वैल्यू मान लूं नीचे वाले पॉइंट को, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ये ट्रू वैल्यू से नियरेस्ट तो है लेकिन कुछ वैल्यू बहुत ज्यादा दूर भी है। इसमें अगर हम देखें तो वैल्यूज दूर दूर है लेकिन इसमें अगर मैं देखूं तो ये वैल्यूज बहुत ज्यादा पास पास में, तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इस प्रकार का अगर है तो यानी कि ये बहुत अच्छा माना जाएगा, बहुत ज्यादा सुपीरियर शुद्ध माना जाएगा कि अच्छा वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगा। रिपीटेबिलिटी विदाउट इंटरफेरेंस गिवन रिपीट वैल्यू, यानी किसी भी रीजन से अगर कोई बाहर का कोई दखल अंदाजी किसी भी रीजन से मैं कहना चाह रहा हूं कि नहीं कर रहा कोई भी, तो उसको बिल्कुल सेम एंड रिपीट वैल्यू ही शो करना है, ऐसा ना हो कि वो बाद में अपने आप ही चेंज वैल्यू शो करे। समझ रहे होंगे बात को, कि किसी भी तरीके का कोई बाहरी छेड़छाड़ नहीं हो रही है, एटमोसफेयर में कोई चेंज नहीं हो रहा, ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई चेंज नहीं है तो वो एक सेम रिपीटेबल वैल्यू हमें शो करना चाहिए। देन बात करेंगे री प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगर दोबारा से उसको दोबारा से वैल्यू को शो करना पड़े, किस कंडीशन में, डिस्कनेक्ट और रीइंस्टॉलिंग गिवन सेम आउटपुट वैल्यू, यानी अगर मैं उसको रीइंस्टॉल कर रहा हूं निकाल के वापस लगाऊं तो वो पहले जैसे ही परफॉर्म करे, उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करेंगे स्टेबिलिटी, टाइम पीरियड ऑफ वैल्यू कैन टेक एन स्टेबल वैल्यू, यहां पर आप ग्राफ देखेंगे ये ग्राफ के अंदर फ्लक्चुएशन आ रहा है लेकिन बाद में जाकर के वो सही होता है, तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगा है, जो शॉर्ट टाइम लगा है वो टाइम कितना लग रहा है उसको स्टेबल होने में, क्योंकि हर जगह पर हमें एक स्टेबल वैल्यू चाहिए और वो कितनी जल्दी हमें मिल पा रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हम बात करेंगे रिस्पॉन्स टाइम, टेकन टाइम टू गिवन ट्रू वैल्यू, कितना समय उसको लग जाएगा उस करेक्ट वैल्यू को देने में, तो बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, कुछ सेंसर्स बहुत जल्दी आपको रिजल्ट प्रदान कर देंगे, कुछ सेंसर बहुत टाइम लगेंगे, जैसे एक थर्मामीटर होता है पारे वाला, उसको लगाया जाता है फिर हम उसकी रीडिंग वैल्यू देखते हैं, उसको बड़ा समय लगता है, उसके बाद हमारे पास डिजिटल आते हैं, उसको हम ऑन करते हैं लगाते हैं वो 2 मिनट में वैल्यू दिखाता है, एक थर्मल स्क्रीनिंग आती है जो लेजरिंग बेसिस पे काम करता है और वो तुरंत उसी समय वैल्यू दिखा देता है,
तो कहीं ना कहीं उसके टाइम ड्यूरेशन में फर्क है ना, रिस्पॉन्सिंग टाइम में फर्क है, तो उसी की यहां पर बात हो रही है। बात करेंगे तो फेलियर रेट, यानी कोई भी कारण जिसके कारण वो सही प्रकार से काम ना कर पाए। टाइम ड्यूरेशन सेम वैल्यू परफॉर्मेंस विदाउट एरर। फेलियर रेट की हम बात करेंगे, उसके कितने चांसेस हैं फेलियर हो पाने। जैसे फॉर्मूले कितने हम समझेंगे, नंबर्स ऑफ फेलियर, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टाइम ऑब्जर्वेशन, यानी कितने टाइम उसको लग गया वैल्यूज लेने में, कितनी बार आपने वैल्यू लिया, और नंबर्स ऑफ फेलियर कितनी बार फेलियर हुआ। तो इसके द्वारा हम एक फेलियर का रेट निकाल सकते हैं कि कोई भी जो सेंसर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके फेलियर होने के क्या चांसेस, जिसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चेक भी करते हैं। तो फेलियर रेट होने के इश्यू क्या क्या हो सकते हैं? इश्यूज हो सकते हैं डस्ट का आ जाना, इश्यू हो सकता है टेम्परेचर, इश्यू हो सकता है ह्यूमिडिटी, और हो सकता है एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में हम जानते हैं रेजिस्टेंस का बढ़ जाना, वोल्टेज का बढ़ जाना एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट की, कि कौन सा सेंसर कहां पर रिक्वायरमेंट होगा, उसके लिए क्या चीज जरूरत है। तो अकॉर्डिंग टू द यूज, कहां पर आपको यूटिलाइजेशन में लेकर के आना है, कैसा एक्यूरेसी चाहिए आपको, कैसा रेंज चाहिए, और किस प्रकार के सिस्टम में आप लगाना चाहते हो। जैसे कोई सिस्टम आप बना रहे हो, वो सिस्टम नॉर्मल एरिया में इस्तेमाल किया जाना है या एक स्पेसिफिक एरिया में इस्तेमाल किया जाना है। जैसे हम जो उपग्रह भेजते हैं या जो अंतरिक्ष के अंदर हम अपने सैटेलाइट्स भेजते हैं, तो वहां पर जो सेंसर इस्तेमाल होंगे वो यहाँ धरती की तुलना में थोड़े से अलग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां का एटमोसफेयर एंड वेदर अलग है, वहां की सिचुएशंस अलग है। तो सिस्टम कैसा रहने वाला है उसके सराउंड ऑफ एरिया में, वो भी बहुत डिपेंड करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कैलिब्रेशन का। कैलिब्रेशन मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ ट्रू वैल्यू, यानी कोई एक डिवाइस है मेरे पास जिसकी मैं एक जो ट्रू वैल्यू लेने की जो क्षमता है, जो एक्यूरेसी है, उसको बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। और इससे होगा क्या, जो हमारा टूल है उसकी एक रिलायबिलिटी, विश्वास बनेगा, जिसके बाद हमारे प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टूल है, उससे मुझे कोई मेजरमेंट लेनी है, वो स्टार्टिंग में तो अच्छा काम कर, लेकिन वन टाइम अगर एरर उसके अंदर आ गया, तो एरर आने के बाद अगर ठीक नहीं हुआ तो वो वेस्टेज हो जाएगी। लेकिन अगर हम कैलिब्रेशन करें तो उस एरर को हम खत्म कर देंगे, एरर को अगर हम खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, एक्यूरेसी आ जाएगी। और जब अगर हमारे पास एक्यूरेसी दोबारा से आ गई, तो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी यानी विश्वास एक बार फिर से पैदा होगा कि वो सही वैल्यू दे रहा है। अब कैलिब्रेशन जो है वो डिपेंड किन चीजों पर कर सकती है, कि कैलिब्रेशन आपको करने की, तो उसमें रिक्वायरमेंट हो सकती है कि डिपेंड किस पे करेगा, लाइट पे, कि कोई भी चीज जिसे आप मेजर कर रहे हो उसके नियर बाय जो प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी तेज है, क्योंकि वो भी कुछ हद तक किसी भी ऑब्जेक्ट को डैमेज कर सकता है। मास, किसी भी चीज का भार, उसका वेट भी उसको डैमेज कर सकता है। लेंथ, कितना ज्यादा उसका लेंथ है वो भी उस पर डिपेंडेबल करेगा कि कैलिब्रेशन करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाए। टाइम पीरियड, कितना समय हो गया उसको इस्तेमाल करते करते, कितना समय उसको बीत गया, उस पर डिपेंड करेगा। एंड फाइनली द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर भी अगर हम देखें तो वो इफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत से टूल्स के बारे में हम समझते हैं, मेटेरियल के बारे में समझते हैं, जो टेम्परेचर के चेंज होने पर अपने गुण अपने साइज को बदल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन एरर्स के आने की यानी कैलिब्रेशन करने के चांसेस इन रीजंस की वजह से हो सकते हैं। तो ये जो अभी तक अभी हमने क्लियर किया, इसमें हमें ये पता चलेगा कि सेंसर जो है क्यों लगाऊं, कौन सा सेंसर इस्तेमाल करूं। तो अपनी उपलब्धता के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनके अंदर से हमें कौन सी चीज हमें चाहिए, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज्यादा रेंज चाहिए, बहुत ज्यादा रिपीटेबिलिटी चाहिए, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत कम फेलियर रेट चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कम चाहिए। ये सारी चीजों का एनालिसिस करते हुए हमें कौन सा सेंसर इस्तेमाल करना है, ये हम पे डिपेंड करता है।